बीजेपी मुस्लिमों को गाली देती है और उधर दामाद बनाने का काम करती है। देखिए उनके वो किसकी बेटियां उनको ब्याही हैं, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी के। जब सारा देश प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते चार, ये किसने लिखा? प्रजापति समाज सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इसलिए आए हैं कि इन लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। प्रजापति समाज है, अब प्रजापति समाज को सत्ता में भागीदारी चाहिए और नौकरियों में अपने लिए आरक्षण चाहिए। ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री होते तो हमारी आवाज ऊपर उठाते। आज प्रजापति समाज भुखमरी के कगार पर आ चुका है, हमारा रोजगार नष्ट कर दिया भाजपा सरकार ने। आप राम मंदिर की बात करिए, अगर मंदिर बनेगा मंदिर से रोजगार मिलेगा क्या? पॉइंट टू पॉइंट बात करिए आप, मंदिर से रोजगार मिलेगा क्या? आरक्षण छीन के दिखाएंगे, आरक्षण छीन के दिखाएंगे, आरक्षण चाहिएगा प्रजापति समाज। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं कि जो मतलब लोगों का जो भारी जमावड़ा है यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर, ये सारे जो लोग हैं ये सारे प्रजापति समाज के हैं और यहाँ पे आरक्षण की मांग करने के लिए आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या मांग है सर? देखिए, प्रजापति समाज सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात 2005 में उत्तर प्रदेश में प्रजापति समाज का सर्वे हुआ, तत्कालीन सरकार ने कराया, उस कमेटी का नाम था भट्ट कमेटी और उसमें ये तय पाया, वे सारे मानक पूरे हुए जिससे अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जा सकता है और उन्हें सुविधाएं दी जा सकती है। सन 1931 सेंसस में प्रजापति समाज शिल्पकार जाति में था, लेकिन 1950 में ये सब एक राजनीति के तहत उसको गायब कर दिया गया। आज हम जंतर मंतर पर प्रजापति समाज के लोगों के साथ इसलिए आए हैं कि इन लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। कौन से कैटेगरी में? ओबीसी में है वर्तमान में 70% तो है आरक्षण। जब सारा देश प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्या दिक्कत है प्राइवेट से आप लोगों को? दिक्कत ये है कि उसमें आरक्षण नहीं है, उसमें जो मालिक होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने मान वेतन मान पर जब चाहे निकाल दो, जब चाहे रख दो। समस्या ये है, आप ये मानते हैं ना कि घर का मुखिया जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, लेकिन हो तो नहीं रहा। तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते चार, ये किसने लिखा? ये मैंने नहीं लिखा, उन्हीं उन्होंने लिखा जो सत्ता के ठेकेदार थे जिन्होंने कुम्हारों से मिट्टी का काम कराया, कश्यप से पानी का काम कराया, वाल्मीकि से सफाई करवाई, ये आज ही तो राम राज लाना चाहते हैं। फूट डालो और राज करो, यही तो जो अंग्रेजों ने किया वही तो आज हिंदुओं को हिंदू से लड़ाया जा रहा है। हिंदू राज तो होना चाहिए, हिंदू राज। हम हिंदू हैं, हमसे बड़ा हिंदू कौन है? ये तो वे लोग हैं, ये तो वे लोग जब देश की आजादी में दांडी आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, नमक का आंदोलन, जब बापू महात्मा गांधी ने जब ये लड़ाई लड़ी थी तो ये वे ही लोग थे जिन्होंने माफी मांगकर जेल जाने से इनकार कर दिया था। हिंदू हमें कौन थे वो लोग? भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, युवा वाहिनी के लोग, केसरिया वाहिनी के लोग, अलग है भारतीय जनता पार्टी, उसी के इशारे पर 300 संगठन है, उसी के इशारे की तो पहले जनसंघ था ये बेटा, उसी के इशारे में हिंदू राष्ट्र बनने से क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र हमें कोई तो हम हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं, एकीकरण से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जो उनके हक और अधिकार हैं, नहीं नहीं सरकार जो है वो 80 करोड़ जनता को अनाज दे रही है, राम राज आ गया, राम विश्व पटल पे भारत अपना नाम रोशन कर रहा है, आप लोगों को क्या दिक्कत है? सरकार महोदय ये भाषा वो ना बोलो, जो हम है ना वो हमें बनने की कभी जरूरत नहीं है, जो हिंदू है उसे ये कहलवाने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं, हम खुद में प्रमाण है कि हम हिंदू हैं, हमें मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर की जरूरत नहीं है? राम मंदिर की
सबकी अपनी एक आस्था है, सबको जरूरत है। अब जो प्रजापति समाज है, अब प्रजापति समाज को सत्ता में भागीदारी चाहिए और नौकरियों में अपने लिए आरक्षण चाहिए। उससे कम कीमत पर प्रजापति समाज रुकने वाला नहीं है। और 2014 में और 2024 में अगर हम सत्ता में ला सकते हैं तो इन लोगों को सत्ता से बेदखल, हिंदू के नाम पे जो अत्याचार ये SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ में कर रहे हैं, वो अत्याचार आपने देख लिया खतौली के चुनाव में। हम लोगों ने इन्हें मिलकर इनकी सीट को हराया है और इस वाले चुनाव में 2024 में चुनाव आने वाला मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक को जो है माइनॉरिटी को दिक्कत है और यहाँ जो बीजेपी की सरकार है वो बोलती है अल्पसंख्यक जो है हिंदू राष्ट्र पे दिक्कत कर रहे हैं। मैडम मुझे एक बात बताइए, आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर चलाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक की आवाज को सुनने में, अल्पसंख्यक समाज से नहीं OBC समाज से हूँ, पर मुझे मेरे देश में जैसे अधिकार औरों को ऐसे अधिकार उनका भी है, उनकी आवाज को आज उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है, न SC ST की आवाज को सुनने वाला। OBC के नाम पर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया, पर उसके पास में एक कलर की पोस्टिंग करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, नहीं सुनो, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो बोलते हैं जो मुस्लिमों के साथ है वो पाकिस्तान चला जाए, इस पे क्या बोले? मुस्लिम के साथ में ऐसा है जिसे जाना हो चले जाएगा। मेरी बात सुनो, हिंदुस्तान की जनता जो और जितने भी कास्ट है वो सब लोगों के साथ मिलजुल के पिछले कई हजार वर्षों से साथ रहती है, साथ रहेंगी। ठीक है, जो बोला है वो कौन है? नहीं, जो हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र में हम हिंदू के नाम पे SC ST और सबको इकट्ठा करके वोट ले लेता है, पर उन्हें सत्ता में भागीदारी नहीं देगा कोई भी। अगर मुझे नहीं बताओ OBC समाज को किसको पत्ते दिए? मैं क्या चाहिए हमें, आप लोगों को हमें 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 चाहिए, मैं आप ही के समाज का तो प्रधानमंत्री है हमारे। मेरी बात सुनो, वो नहीं है OBC समाज के दे प्रधानमंत्री होते तो हमारी आवाज ऊपर उठाते। आज प्रजापति समाज भुखमरी के कगार पर आ चुका है, हमारा रोजगार नष्ट कर दिया बीजेपी सरकार ने, हमारे मिट्टी के बर्तनों को नष्ट कर दिया। आज हम आवाज चढ़ाते हैं तो लोग बात कहते हैं अरे तू एक ही प्रदूषण आए, हम कहाँ जाइए बताए, हमें मिट्टी नहीं मिल पा रही। आज हम आरक्षण के लिए आए तो हिंदू मुस्लिम हम मीडिया से कहना चाहते हैं हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। आज प्रजापति समाज अपने अधिकारों के लिए जाग चुका है, अपना अधिकार ले करेगा, चाहे गुजरात हो या बंगाल हो। आप जो इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं हिंदू राष्ट्र मिलेगा आप लोग, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर चाहिए, हम हिंदू हैं। राम मंदिर बीजेपी नहीं बना रही, राम मंदिर कोर्ट बना रही है। सुनो, देखिए आप राम मंदिर की आप बात कर रही हैं, मैं वीरेंद्र प्रजापति बोल रहा हूँ, पूर्व विधायक प्रत्याशी गढ़ मुक्तेश्वर से। आप राम मंदिर की बात कर रही हैं, अगर मंदिर बनेगा मंदिर से रोजगार मिलेगा क्या? पॉइंट टू पॉइंट बात करिए आप, मंदिर से रोजगार मिलेगा क्या? मैं बता रहा हूँ आपसे, देखिए कि मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा हमें वोट दो हम भगवान का घर बनाएंगे, यानी राम मंदिर की बात की। अब आप आइए योगी जी पे, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, माननीय योगी जी भगवान के घर में रहते थे। अब जब जहाँ भगवान के घर में रहते थे गोरखनाथ मठ में, ठीक है कि गलत है भाई, भगवान का घर है, हम सब लोग हमारी आस्था जुड़ी है भगवान के साथ, उसमें मैं कोई नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन योगी जी से कुछ सीखने की जरूरत है हमारे समाज के लोगों की भी, अन्य लोगों को भी। योगी जी ने भगवान का घर छोड़ा और मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठ के जा करके, अब आप ये समझिए योगी आदित्यनाथ जी अगर जहाँ पहले थे गोरखनाथ मठ में कहते तथास्तु, एक DM का SP का ट्रांसफर हो जाए, बताओ भाई हो जाता क्या? अरे यार कहाँ, मंदिर से हो जाता नहीं होता ना। और जहाँ आज बैठे पॉइंट टू पॉइंट जहाँ आज बैठे सस्पेंड हो जाएगा नहीं, तो मेरे साथियों ताकत जो है वोट में है ना कि मंदिर में। आप लोग इतनी बुराई कर रहे हैं योगी जी की, सब पूजा करते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा योगी जी की, मैंने बुराई नहीं किया योगी जी, ये बात आपने कही है, मैंने कही है योगी जी से कुछ सीखने की जरूरत है। आप लोग डिसाइड कर लीजिए, आप लोग को राम मंदिर चाहिए, 5 किलो अनाज फ्री में मिल रहा है आप लोग को। अनाज सुनो मैं कह रहा मुझे, अरे यार सुनो एक मिनट यार, अरे यार सुनो मुझे, मैं कह रहा हूँ, सुनो बहन जी, अरे यार सुनता जाओ, मुझे, मैं कह रहा हूँ बहन जी, देखिए आप मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं कह रहा हूँ 15 किलो अनाज दूंगा, और बताइए मंत्री बन के 15 ही नहीं, वो 5 के दे रहे हैं ना, 5 की बात कर रहे हैं, वो हमारा पैसा टैक्स। एक मिनट सुनिए वकील साहब, जो सरकार कोई भी कुछ देती है वो अपने घर से नहीं देती, एक राज खजाना होता है, टैक्स के द्वारा पैसा हमसे जाता है, वो किसी के बाप का पैसा नहीं होता, जनता का पैसा होता है, उसी पैसे में से हमें 5 किलो अनाज में बहका दिया गया, और जो हमारे बच्चे की नौकरी है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, उस नौकरी को जो अपने लोगों को दे दिया जाता है। कुछ भी कर लीजिए 2024 में आएंगे तो मोदी, 2024 में कुछ भी कर ले, अगर हमारे लोगों ने वोट नहीं दिया तो मोदी फिर क्या EVM से आएंगे, बताइए आप EVM से आएंगे, क्या कहने का मतलब? मतलब जो मशीन, जो EVM मशीन है, वोटिंग मशीन, जब वोट लोग नहीं डालेंगे तो कैसे आ जाएंगे मोदी जी?
बोले ईवीएम से आएंगे नहीं आप लोग, आप एक बात बताइए, कहीं भी जाइए देखिए बहन जी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या स्थिति है, आईटी सेल ये काम कर रही है, लोगों को गलत दिशा में लेके जा रही है आईटी सेल। जो जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता ऐसा कुछ भी नहीं होता, टीवी पे अच्छा दिखाया जाता है, मुस्लिम में कोई टीवी पे सही दिखाया जाता है, टीवी मीडिया अच्छा दिखा रही है। टीवी पे सिर्फ दो चैनल है जो सही दिखा रहे हैं, बाकी सब गलत। आप मेरी बात सुनिए, हिंदू मुस्लिम में कोई विवाद नहीं है, ये सिर्फ फैलाया जा रहा मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा फायदा। आप लोग को पच नहीं रहा है मोदी, 56 इंच का सीना पच नहीं रहा है। मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान भाइयों को दिया है, मैं उन्हें अभी भी भाई बता रहा हूँ क्योंकि हमारी उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। शहनवाज हुसैन जी हैं, मुख्तार अब्बास जी भी जी हैं, बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे, और मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी मुस्लिमों को गाली देती है और उधर दामाद बनाने का काम करती है। देखिए उनके वो किसकी बेटियां उनको ब्याही हैं, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी के। और हम मुसलमान हमारे भाई हो सकते हैं लेकिन दामाद नहीं हो सकते, ये इतिहास आप देखिए आपके सामने है। हिंदुस्तान में रहकर हम सबको एक करने की कोशिश करते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। सुनिए सुनिए, 2024 में मोदी जी आएंगे और जो विश्व पटल पे भारत नाम अपना रोशन कर रहा है आपको पच नहीं रहा? आप मेरी एक मिनट, आप मेरी तरह एक भारत की नागरिक है, आप मेरी तरह ही, हम नहीं बोल रहे, गृह मंत्री बोल रहे, गृह मंत्री नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हो, इस समय मेरे सामने आप खड़े हो, दिखाओ गृह मंत्री का इंटरव्यू दिखाओ मुझे। अब हम ये कह रहे हैं देखिए, मोदी जी आएंगे या राहुल जी आएंगे ये तो देश की जनता तय करेगी, राहुल जी आएंगे या मोदी जी आएंगे देश की जनता तय करेगी। राहुल जी कैसे आएंगे, उनकी तो सदस्यता चलेगी, सदस्यता चलेगी, सदस्यता तो अमित शाह जी तड़ी पार थे, देश के जो गृह मंत्री हैं, और राहुल गांधी जी एक राजा का बेटा अभी 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की है, राहुल गांधी जी ने चाक भी चलाया है, हालांकि मैं किसी पार्टी ना मेरे बीजेपी से मतलब लोकतंत्र खतरे में है क्या? लोकतंत्र देखिए खतरे में ही है, एक राहुल गांधी मतलब कोई उन पर कोई आरोप हो कभी तड़ी पार रहे हो तो बताइए आप, उनकी सदस्यता जो खत्म की है, उन्होंने यही तो कहा था बस इतना कि मोदी सरनेम के चोर हैं लोग, बताओ ललित मोदी नीरव मोदी के लिए बोला था, मोदी जी को इसमें क्या बुरा लगा, बताइए उनकी। केजरीवाल की सरकार भी है, केजरीवाल की सरकार, माननीय सोनिया गांधी जी को अमित शाह जी ने जर्सी गाय बोला, राहुल गांधी जी को मतलब हाइब्रिड बछड़ा बोला, तो मोदी जी पे भी तो केस दर्ज होना चाहिए, उनकी भी तो सदस्यता जानी चाहिए। मीडिया प्यार करती है, जनता कोई प्यार नहीं करती मोदी से, केवल मीडिया प्यार करती है। मैडम हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई ना मोदी की है ना योगी की ना किसी और की है, हमारी लड़ाई केवल ये है कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है वर्तमान में प्रजापति समाज की, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हमारे समाज तो ना तो शिक्षा में ऊपर जा पा रहा है और ना ही हमारी सत्ता में भागीदारी है। और मेरी ये डिमांड है, राम राज है, बेटियां सुरक्षित हैं, शिक्षित हो रही हैं, नौकरियां मिल रहा है, बेरोजगारी खत्म हो रही है, और क्या चाहिए मैडम, कहीं बेरोजगारी खत्म नहीं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है, ये सेवल कागजों पर हो रहा है। राम राज की देखिए आप सुनिए भैया भैया एक मिनट, आप राम राज की बात कर रही है, देखिए बहन जी आप राम राज की बात कर रही है, राम राज का आपको पता है, राम राज में ऋषि शंभुक ऋषि जी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित समाज के लोगों को पढ़ाने का काम किया था, और शंभुक ऋषि गर्दन काटने का काम किया था कि नहीं किया था, तो हमें ऐसा राम राज नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब का संविधान वाला देश चाहिए, हम भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, हमें सबका हक सबका वो चाहिए, मैडम मुझे एक बात बताइए, हम कुम्हार समाज से आते हैं और मंदिर भी मूर्ति जितनी भी मूर्तियां मंदिरों में लग रही हैं उन्हें बेचने का काम, बना के बेचना हमारा धंधा, वो धर्म नहीं है हमारा, जिस प्रकार ब्राह्मण का धंधा पूजा पाठ करना पाखंडवाद को फैलाना है, इसी प्रकार हमारा धंधा बर्तन बनाना मूर्ति बनाना है, नाई का धंधा बाल काटना, चमार का जो धंधा था जाटव समाज के लोगों का चमड़े का व्यापार करना था, जूते बनाना था, इसी प्रकार हम वो लोग हैं उस समाज से आते हैं कि मिट्टी का आकार बदल के अगर हम मूर्ति बना देते तो पंडित जो ब्राह्मण मंदिर बना के मोदी जी, रामचंद्र जी के मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, हम बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं और हमें तो उस रामायण के अनुसार सूत्र माना गया, तो हम 85% लोग इस देश के सूत्र समाज के लोग हैं, मालिक है इस देश के, ईसाई, हम ये जो नारा है, हम सम्राट अशोक जी को मानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जी को मानते हैं, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी को मानते हैं, हम ज्योतिराव फुले जी को मानते हैं, और जो आप बहने हैं जिसने प्रथम विद्यालय खोला माता सावित्री बाई फुले जी को मानते हैं, आप नहीं मानती क्या बताइए, आप जो कपड़े हम लोगों ने पहन रखे हैं, जब हम लोगों को कपड़े पहनने के अधिकार नहीं था, इसके लिए भी हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी है, मैं उन सब लोगों को भगवान की तरह मानता हूँ, और आप भी ये,
आप लोगों में खुद में एकजुटता नहीं है, एक बोले हम राम मंदिर भी चाहिए, एक बोले वो देखिए हमारी सुनिए हमारी मांग, हमारी की मांगों के बीच में बार बार राम मंदिर, राम मंदिर क्या है ये? हम अपने आरक्षण की लड़ाई है, हम अपने आरक्षण की लड़ाई है, हमारा क्या कहना है? आप लोग को राम मंदिर मिला इसलिए तो आप, हम अपना आरक्षण चाहिए, राम मंदिर भी हमारे लिए, राम मंदिर भी चाहिए, हमें अपना हक भी चाहिए, हम आरक्षण चाहिए। राम मंदिर दूसरा काम है, भगवान सबकी आस्था है, सबका भगवान एक है। मैं बात और कहना चाहूंगा आपसे, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जितने भी मंदिर जितने भी ज्यादा ज्यादा बनाओगे उससे अगर प्रजापति समाज का भला हो सकता हो तो आप मंदिर एक नहीं 10 बनाओ। उससे अगर मंदिरों से बनाने वाले उससे अगर किसी का भला हो रहा, केवल एक ही वर्ग का भला हो रहा है। किसका भला हो रहा? वो केवल पंडितों का भला हो रहा है। पंडितों को वहाँ पे चढ़ावा मिलता है, पंडित वहाँ पे हिस्सा बांटते हैं, सब धंधा चल रहा है उनका, भगवान से बात, उनका उनकी दुकान है, धंधा चल रहा है, धर्म भरम काम के धर्म के नाम पे धंधा कर रखा उन लोगों ने, ठीक है नी? और मेरी बात सुनो, सब दुकान खोल के बैठे हुए हैं, आप लोग आरक्षण मिलेगा? मेरी बात सुनो, चाहिएगा हमको, छीन के दिखाएंगे आरक्षण, छीन के दिखाएंगे आरक्षण, छीन के दिखाएंगे आरक्षण, चाहिएगा प्रजापति समाज, प्रजापति समाज, प्रजापति समाज, प्रजापति समाज, प्रजापति समाज, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, भगवान सबका एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक है। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, किसी की आस्था से खेलने वाला नहीं हूँ, आप जो सवाल है जुमले में लोगों को बता। आखिरी सवाल है कि 2024 में किसकी सरकार? मैं आपको जवाब दूंगा, हमारे साथ है भगवान, भगवान राम सबके, अरे भाई मैं पूछ रही हूँ, हम सबके लिए आरक्षण देगा सरकार उसकी। भगवान राम आस्था का विषय है, बिजनेस नहीं है। अरे मैं पूछ रही हूँ 2024 में किसकी सरकार आएगी? सरकार उसकी आएगी जो हमारी, जो हमारी सुनेगा। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये लोग जो है एग्रेसिव हो रहे हैं, ये लोग गुस्से में हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमें, हम मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं देंगे। आप लोगों को क्या लगता है पूरी खबर पे आप लोग की राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।